हेलो गाइज हाय वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड सर ऋषिकेश रॉय गाइज आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ब्लॉगिंग का पार्ट टू एंड पार्ट टू जो तो होने वाला है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल जैसे हमने बताया था कि

मनी लाइक ऑद ब्लॉगर इज वेल बट उसके लिए बहुत डेडिकेशन कंसिस्टेंसी ये सब चाहिए होगी सो विदाउट विदों के हम प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल सेशन करने के लिए दैट द रीजन यू कैन सी दैट दिस इज कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्क्रीन पे यू विल फाइंड दैट मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया है टेक्नोलॉजिकल का टेक्नोलॉजिकल इज अ ट्यूटोरियल वेबसाइट जिसमें मैं सारे ट्यूटोरियल इज दिन कोर्स के लिए करता हूँ दिस इज नॉट एनी ऑफ माई रनिंग वेबसाइट दिस इज जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल पर्पज जहां की मैं आपको एग्जैक्टली exactly दिखाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन पोस्ट योर ब्लॉग इन योर वेबसाइट

seen that कि मैंने आप लोगों को बताया था कि how you can create pages, right? so pages के केस में हमें pages बनाने हैं but right now we are not going to create pages. हम pages नहीं बनाने वाले हैं हम बनाने वाले हैं post. तो so, blog जो होता है guys वो post में जाता है. तो so, post में what you need to do you need to just simply click here. so guys now you need to go to the post and then post में all post. all post is something which मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि here you can see कि what all are the blogs uh, blogs you have published as of now in your site and

पोस्ट करता हूँ बट उसे पब्लिश नहीं करता हूँ मेरे लिखे हुए ब्लॉग नहीं होते हैं जस्ट दिखाने के लिए मुझे कॉपी करना होता है किसी और साइट से तो गाइज यहां से आप देख सकते हो कि आपने कितने ब्लॉग लिखे हैं बट वो तभी होगा जब आपने एटलीस्ट अपना पहला ब्लॉग लिखा है सो हाउ टू राइट दैट ब्लॉग हाउ टू स्टार्ट विद ब्लॉग राइटिंग इन योर इट फर्स्ट ब्लॉक डालने के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दू द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड इन योर ब्लॉग वेबसाइट इज कैटेगरीज गाइस आपके उस ब्लॉग साइट में कैटेगरीज क्या क्या होनी चाहिए कैटेगरीज होती क्या है कैटेगरीज होती क्या है इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूंगा फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू गूगल एंड गूगल पे हम चलेंगे बेस्ट प्लेसेस चलो बेस्ट फोन अंडर फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज मैं एक एक कीवर्ड लिख रहा हूं और इस की से रिलेटेड जितने भी मेरे पास अभी ब्लॉग आएंगे आई ओपन दैट फॉर यू फॉर एग्जाम्पल दिस वन बेस्ट मोबाइल फोन अंडर फिफ्टीन थाउजेंड अब ये देखो यहां पर हम कहा गए हैं हम यहाँ पर एक ब्लॉक साइट में आ गए हैं जहां पर आपको uh, okay, I don't think so. site, क्योंकि ये मुझे ब्लॉक साइट हाँ कंटेंट रिच साइट है बट ब्लॉक साइट नहीं दिख रही है ब्लॉक साइट के लिए लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग बेटर देन दिस जिसमें मुझे ब्लॉग टाइप कुछ दिखे बेस्ट फोन एंड्रॉयड अथॉरिटी डॉट कॉम आई डोट नो वेदर इट विल नॉट बट आई नीड अ प्योर ब्लॉग साइट आप समझ जाओगे ब्लॉक साइट का मतलब ये दिस इज ब्लॉक साइट सो गाइज ब्लॉक साइट में ये क्या है ये है बेसिकली कंटेंट जिन ब्लॉग लिखा है अबाउट द फोन यू कैन सी दैट एक ब्लॉग में क्या क्या होता है अब उस ब्लॉग में बहुत सारी चीजें हैं दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडलाइन बेस्ट फोन्स अंडर फिफ्टीन थाउजेंड इन इंडिया ये हेडलाइन है जो मैंने आप लोगों को उस दिन बनाना सिखाया था ये ब्लॉग टाइटल है, जो आपको बनाना है था, here, और टाइटल बहुत कैची होना चाहिए इसमें आपको दिखा कि बेस्ट फोन अंडर रुपीस इन इंडिया।, इंडिया में आप कौन से फोन है जो आप पंद्रह हजार में ले सकते हो उसके अंदर इन्होंने अच्छा खासा कॉन्टेंट लिखा है इमेजेस दिए हैं एंड देन अगेन कॉन्टेंट स्पेसिफिकेशन सो ये क्या है एक्चुअली पीपल को लाइक like, ज्यादा कॉन्टेंट मिले इस इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को यहां पर मेंशन किया है ताकि जिसको जो पढ़ना है जिसको सिर्फ स्पेक्स पढ़ने हैं जिनको डीपली पढ़ना है वो uh, कंटेंट को, को पढ़ सकते हैं तो है, है। कैटेगरीज क्या होती है, होती है कि ऑन व्हाट ऑल द थिंग्स विल बी राइटिंग आप क्या क्या चीजें लिखने वाले हो अपनी साइट में तो उसके लिए दीज ऑल आर द कैटेगरीज साइट की कैटेगरी क्या, क्या क्या है डील्स रिव्यूज एप्स द बेस्ट गिव फीचर्स हाउ टू डेवलपमेंट सो ये भी मुझे ब्लॉग्स तो कहीं कहीं okay? so, एक और एग्जाम्पल पे ले जाना चाहूंगा यहाँ से लेट्स गो टू गूगल बैक अगेन एंड आईम गोइंग टू ओपन माई ओन वेबसाइट ओके सो डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज डॉट कॉम बिकॉज में वहां पर आपको बेटर वे में समझा पाऊंगा एग्जैक्टली सो एम ए डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग में गाइज सोर्ट सीजन भी होता है एक सोशल मीडिया भी होता है ई मेल मार्केटिंग ये सारे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स आप पढ़ने वाले हो वो एक मॉड्यूल्स हैं so i can take it as a category keep my own modules a blog like for example my categories are e-commerce my blog like hosting pe blog like the i can write blog on affiliate marketing i do write on blog on cms like wordpress joomla uh, drupal i write blogs on Adsense, i write blogs on email marketing so these all are my categories mere categories hai, jis pe main blog the same way you have to think of ki, what type of categories you, you will choose for your website to write ब्लॉग ऑन किस पे ब्लॉग लिखना है अब मेरे, मैं टेक ब्लॉगर हूं टेक ब्लॉगिंग केस के में आई कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन मोबाइल फोन माई वन कैटेगरी मेरा मोबाइल फोन कैटेगरी हो सकता है ये मैं एग्जाम्पल देकर बात कर रहा हूं ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट गाइज कैटेगरीज फॉर टेक साइट टेक ब्लॉगिंग साइट के लिए कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है नंबर वन गईज मोबाइल नंबर वन मोबाइल नंबर टू स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट वॉचेस नंबर थ्री ड्रोन्स नंबर फोर स्मार्ट टीवीज नंबर फाइव गाइज आई डोंट नो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं एक्शन कैमराज या फिर कोई भी कैमरा सो एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर ये मेरे कैटेगरीज होंगे जिस पे फॉर एग्जांपल मैंने कभी सैमसंग सैमसंग जे पे लिखा सो so, वो वाला ब्लॉग मेरे किस कैटेगरी में आएगा वो मोबाइल में आएगा फॉर एग्जाम्पल आई हेव रिटन एपल वॉच आया तो वो दैट विल गो टू स्मार्ट वॉचेज ड्रोन कभी लिखूंगा दैट विल गो टू ड्रोन वट इज दिस दिस इज फॉर दिसल हर वन आई क्लिक ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया कैटेगरी को जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी ऑल द ब्लॉग्स कि जितने भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं वो दैट ऑल विल बी रिलेटेड टू सोशल मीडिया ये सारे जितने भी ब्लॉग्स अब आपको दिखेंगे ना नाइज ये सारे सोशल मीडिया से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब एस तो site, तो यू ट्यूब सोशल मीडिया साइट तो ये यहाँ पर आ रहा है हाउ टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम इज सोशल मीडिया साइट तो प्रिंट्रेस के ऊपर ब्लॉग ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पर आ गया कंफर्म वेज टू ड्राइव मोर ब्लॉग ट्रैफिक यूजिंग तो ये सोशल मीडिया पे सो दीज ऑल आर माई सोशल मीडिया articles which is showing up here so this is known as categories um, the moment I'll click on search engine you will see all the blogs which I have written in this website will be on search engines like for example the nuances of off page SEO off page SEO SEO hai? search engine dirty facts about Google Trends again it's a knowledge yes it's a knowledge search engine adverts tutorial then search engine Google algorithm search engine latest news and updates so yes I choose okay guys yeah is particular

के सेक्शन में जाके उसको कैटेगरी दूंगा कि मैंने आज विंडोज पे लिखा है तो दीज आर द कैटेगरी अभी कैटेगरीज बनते कैसे हैं गाइस इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है यू कैन सी दैट एड न्यू कैटेगरी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ कि मुझे और किस पे लिखना चाहिए आई कैन राइट ऑन मैक मैक जैसे विंडोज है वैसे ही मैंने मैक पे लिखना है तो आई कैन गिव अ कैटेगरी नेम मैक कि जब भी कोई मैं मैक पे एक आर्टिकल लिखूंगा इट विल ऑटोमेटिकली आई विल सेलेक्ट मैक एज अ कैटेगरी फॉर दैट ब्लॉग एंड इट विल ऑटोमेटिकली गो टू द मैक कैटेगरी वो मैक कैटेगरी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा नाउ व्हाट इज स्लग स्लग होता है आपका मैंने आपको ये आगे बताना है जब हम एस यू करेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लग बट अभी के लिए आप थोड़ा ये समझ लो कि आपका जो भी कैटेगरी का नाम होगा जो भी आप नेम पे रखोगे यूनिट इज जस्ट कॉपी इट एंड यू नीड टू पुट इन द स्लग आपको वो स्लग में एज इट इज पेस्ट कर देना है पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं करना है लीव इट एज इट इज ब्लैंक अगर आपको लग रहा है कि मैक किसके अंडर आना चाहिए इसमें से कोई एक पेरेंट कैटेगरी है उसके उसके अंदर जाना चाहिए तो यू कैन फ्रॉम हियर कि हाँ ये गैजेट्स के अंदर जाना चाहिए या फिर ये एंड्रॉइड के अंदर उसकी सब कैटेगरी मतलब एज अ चाइल्ड कैटेगरी जाना चाहिए और एंड्रॉइड उसका पेरेंट कैटेगरी होगा तो यू कैन सिलेक्ट अदरवाइज आई विल कीप इट नन क्योंकि ये पेरेंट कैटेगरी अपने आप में पेरेंट कैटेगरी है डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है एंड क्लिक ऑन एड न्यू कैटेगरी द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन एड न्यू कैटेगरी यू विल फाइंड अ न्यू कैटेगरी हैज अटेगरी एडेड हेर Like Mac, uh, where is the Mac? Yeah, so guys, Mac a category ban chuka hai now. आप आज के बाद कुछ भी मैक के ऊपर लिखोगे कोई भी एक नया ब्लॉग या कोई भी एक नया आर्टिकल क्या इस ब्लॉग आर्टिकल एक ही चीज होती है अगर मैं अलग अलग बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग है इट कुड बी द सेम ये दोनों सेम चीज होती है अब मैंने एक मैशन तो लाइक यू नो मैक पे मैंने एक आर्टिकल लिखा तो वो ऑटोमेटिकली मैंने उसका कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया कि ये ये जो आर्टिकल है ये मैंने मैक पे लिखा है तो वो मैक के अंडर ऑटोमेटिक चला जाएगा मतलब मैक कैटेगरीज के अंडर ऑटोमेटिक चला जाएगा सो दैट इज वॉट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड प्रेस प्रेस में कैटेगरी पहले बनाना होता है आप हैंड टू हैंड भी कैटेगरी बना सकते हो वाइल द टाइम ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग और आप पहले बना के चलो सो so दैट आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे जो ब्लॉग साइट में कैटेगरी ऑलरेडी डिसाइडेड है और मैं इन पे ही लिखता हूं दिस इज अ टू डिफरेंट थिंग जैसे भी सोचना है आप सोच सकते हो गो एंड सी की ओके सो गाइस कैटेगरी बनाने के बाद बी डूइंग ऑन ऐड न्यू एंड विल गो एंड क्रिएट अ पोस्ट पोस्ट एक नया हम बनाने वाले हैं, ओके? सो वंस हम ये सीख जाएंगे कि पोस्ट कैसे बनाने हैं आपको लाइफ टाइम इसी तरह से काम करना है अपनी वेबसाइट में ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए ओके वेल द वेरी फर्स्ट थिंग इस ब्लॉग का टाइटल क्या होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एज एट इज नजर आ रहा है मैं इसको बंद कर देता हूँ वही लग रहा है जैसे हमने एक पेज बनाते टाइम देखा था कि हाउ द इंटरफेस इंटरफेस पेज बनाने का सो सेम so, वही कुछ चीजें आपको एज एट इज ब्लॉक के टाइम पे भी दिख रही है ओके नाउ लेट्स डू एंड गो एंड फाइंड माई टाइटल जो मैंने टाइटल यहाँ पर बनाया था दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग लेट्स कॉपी एंड यहाँ पर आके आप करोगे पेस्ट

अब जैसे अभी मैं आपको ये कंटेंट क्या करने वाला हूँ मैं कहीं से कॉपी करने वाला हूँ बिकॉज आई हैव इन रिटर्न एनी कंटेंट लाइक दिस तो मैं अभी कहीं से कॉपी करके आपको दिखा दूंगी हाउ इट विल लुक लाइक वेर इज द कंटेंट ओके ये तो एक ब्लॉग बहुत बड़ी ब्लॉग साइट है लेट्स गो एंड बैक एंड विल सी इफ एनीथिंग वी कैन फाउंड इट हियर एक okay, no एक काम करते हैं। कोई एक करते हैं, हैं, कोई ओपन मैं इस पूरे को से करना गुड प्रैक्टिस आई वुड नेवर रिकमेंड टू कॉपी एनी वन एल्स इज कॉन्टेंट उसे क्या होगा कि आपकी साइट पेनालाइज कर दी जा सकती है इसीलिए आई वुड से कि मैं भी जो कर रहा हूँ दैट इज जस्ट फॉर अ ट्यूटोरियल पर्पज आप कभी भी इस चीज को गलती से मत दोहराना अपने साइड के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक सो कॉपी हुआ होगा ओके नाउ द कॉन्टेंट इज यू कैन सी दैट गाइज वो कॉन्टेंट जो है मेरे साइट में आ चुका है लाइक दिस एंड आई वॉन्ट की मेरा ये कॉन्टेंट ऐसे होगा बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से ये जो कॉन्टेंट है मैं इसको कर दू डिलीट एंड नाउ गाइज मैंने बहुत गाइज मैंने बहुत छोटा सा कंटेंट लिया है और ये कंटेंट जो है अभी फिलहाल इतना ही रखने वाला हूं तो फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को आप जितना मर्जी बड़ा लिख सकते हो यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ कंटेंट यहाँ पर आपको जितना कंटेंट चाहे उतना आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गो एंड राइट सो टू थाउजेंड वॉटेंट ऐसे करके आप ब्लॉग लिखोगे एंड नाउ वेन एवर यू फील दैट यू नीड टू हैव आई नो नो वो एक्सैक्टली दिस अपडेटिंग फील्ड एंड ऑन Okay, whenever you feel that you need a, you need a, just a moment. There is something going wrong with this. Okay, so guys, whenever you will feel that you have a image, so what you can do, you can just चेक की इमेज को कहा रखना है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक इमेज रखना है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ऊपर सो कैन यू सी दैट प्लस फाइल जो कि आपको पहले भी बताया था पेज बनाते वक्त द सेम तरीका वही है कि यू कैन गो एंड फाइंड योर इमेज हेयर कि आपका इमेज क्या होना चाहिए एग्जाम्पल अभी मैं कोई भी एक रैंडम इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ विच यू कैन फाइंड इट हेयर लाइक फॉर एग्जाम्पल मिशन एंड देन सिलेक्ट तो इमेज भी आप अपने ब्लॉग में इस तरह से ले सकते हो जो कि मैंने अभी दिखाया कि इमेज भी होते हैं ब्लॉक्स के अंदर लोगों के ब्लॉक्स के अंदर इमेजेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां पर तो नहीं आ रहा है बट बहुत सारे उसमें होता है नंबर वन थिंग व्हिच इज वेरी एंड ओके सो लेट्स लेट्स क्रॉस इट एंड आई वुड लाइक टू शो यू इन माय वेबसाइट सो मैं क्या करता हूं फाइज मैं इमेजेस भी साथ में

स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट इमेज आता है ना फॉर एग्जांपल आफ्टर यू हेडलाइन दैट इज नॉन एज फीचर इमेज वो फीचर इमेज आपको यहाँ पर जरूर देना है लाइक like एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो गाइज फीचर इमेज मैं यहाँ से सेट से कर लूंगा एंड देन अगेन मीडिया लाइब्रेरी से कोई एक फीचर इमेज में यहाँ से पिक कर दूंगा

साइट ओके द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर ऑलवेज पब्लिश uh, को इमीडिएटली करना है इमीडिएटली मतलब कि आपको अभी के अभी पब्लिश करना है तो आपका हैंड टू हेंड पब्लिश हो जाएगा एंड अगर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट द डेट कि ये ब्लॉग किस दिन पब्लिश हो जाए ऑटोमेटिकली तो आप जैसे सेलेक्ट करोगे वो डेट और वो टाइम तो वो उस टाइम पे इस ब्लॉग को ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा बट ये कर दोगे, तो ओनली यू पीपल कैन सी दैट ठीक है आपका एडमेन ही इसको पढ़ सकता है और अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो सिर्फ वही लोग इस ब्लॉग को ओपन कर पाएंगे जिनके पास आपने जो पासवर्ड दिया है वो होगा then it is only possible. I hope so far so clear. so please always keep it public because you are a blogger, a blogger value. So once it is done, once it is done, guys your job is finished, you are about to publish a blog and click on publish. I'm not going to get it published why because this is not my content say publish kartunga might Google can penalize me for a copied content so I'm not going to publish it right now. ओके सो सो आई होप क्लियर आपको कॉन्टेंट क्लियर हो गया आपको आइडिया क्लियर हो गया कि हाउ टू पब्लिश अ ब्लॉग अ फ्रेश न्यू ब्लॉग इन योर साइट तो हमने क्या क्या सीखा नंबर द फर्स्ट थिंग वी हैव लर्न टूडे इज कि हाउ वी कैन क्रिएट कैटेगरीज कैसे हमें कैटेगरी क्रिएट करना है कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद कोई भी एक ब्लॉग को कैसे पब्लिश करना है किसी भी वॉडप्रस uh, साइट में डैशबोर्ड में नाउ हियर आई वुड लाइक टू शो यू वन थिंग जस्ट गिव मी अ मोमेंट So guys, this is exactly how we do the blogging. इसको ही ब्लॉगिंग कहते हैं और इस तरह से इसको कंटिन्यूसली करते रहना एक जो सक्सेसफुल ब्लॉगर होते हैं वो इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ फॉर एग्जांपल आप डेली किसी कंटेंट पे डेली कर सकते हो दैट इज फाइन बट इफ यू कैन नॉट डू इट देन एटलीस्ट आप वीकली एक ब्लॉग को पब्लिश करना शुरू कर दो द मोमेंट यू विल लाइक यू नो वीकली एक ब्लॉग को पब्लिश करना शुरू करोगे तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा बिकॉज जैसे जैसे आपका ट्रैफिक साइट में आएगा यू विल फाइन मोटिवेटेड यू कैन यू कैन फील यूर लाइक यू नो कि अब मुझे और काम करना चाहिए फिर आप वीकली ट्वाइस ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हो एंड देयर विल बी अ डे कि आप डेली ब्लॉग को पब्लिश करना स्टार्ट कर दोगे okay? नए-नए आर्टिकल्स पे लिखना काम स्टार्ट कर दोगे एंड वन डे इन योर लाइफ देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर एंड एन इन्फ्लुएंसर सो गाइस प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ब्लॉगिंग विद द फुल फ्लेजेड मोटिवेशन एंड द फुल फ्लेजेड डेडिकेशन कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी आगे समझ नहीं आ रहा है कुछ करना है कुछ आ, पूछना है फीडबैक पूछ, फीडबैक लेना है ऑलवेज डू ईमेल ई मेल का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा अदरवाइज सैटरडे को तो आप जरूर पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन और सैटरडे आपके सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को ऑन द स्पॉट दूंगा तो डोंट फोगेट टू यू नो गेट माई सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन पे ही नहीं होगा इनफैक्ट आप कोर्स के बाद भी लाइफ टाइम अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो तो आप लोगों ने देखा फाइनली की प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करते कैसे हैं मैंने क्या क्या किया है क्या क्या आप लोगों को सिखाया है यही सेम चीज मैं अपने लिए भी करता हूँ ऐसा नहीं है गाइज की मैं कुछ और करता हूँ आपको कुछ और बता रहा हूँ गाइज मुझे इससे लिटरली फायदा होता है तो आज के बाद ये फॉर्मूला आपका हुआ प्लीज गाइज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इसे करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में आज की डेट में ट्रैफिक के सोर्सेज बहुत हैं ट्रैफिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड है मतलब जिसके पास ज़्यादा यूनिक आर्टिकल और क्वांटिटी में आर्टिकल ट्रैफिक उसकी साइट में बहुत ज़्यादा आते हैं गूगल से सो गाइज गूगल के ट्रैफिक को अगर आपको टारगेट करना है तो ब्लॉगिंग से बेटर मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा गाइज अपन आइज डे बाय